देखो भाई, हमने तुम्हारे बच्चे को डिप्लोमा कोर्स करवा दिया। अरे क्या कर रहे हो, तुम भी डिप्लोमा विप्लोमा कर लो, कुछ तो काम हो ही जाएगा। वैसे आपने अक्सर अपने आसपास लोगों के मुंह से डिप्लोमा नाम का ये शब्द जरूर सुना होगा और इस वर्ड को लेकर के काफी सारी एडवाइस भी आपने सुनी होगी। तो चलिए ये जानते हैं कि आपको ये एडवाइस फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और सबसे पहला सवाल, ये डिप्लोमा है क्या, किस खेत की मूली है? चलिए सारी जानकारी हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूबी आपके साथ और आज डिप्लोमा के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम सभी अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, ताकि हमारी एजुकेशन का जो स्तर है वो काफी अच्छा हो, हमें बढ़िया से बढ़िया जॉब ऑप्शन मिले और हो सके तो हम खुद का एक बढ़िया बिजनेस शुरू करने के लायक बन जाए। इतनी सारी उम्मीदें हैं, इसके लिए हम बहुत सोचते हैं, बहुत सारे नए नए कोर्सेज के बारे में जानते हैं और बहुत से सब्जेक्ट्स और कोर्सेज को कंपेयर भी करते हैं, ताकि हम वो चूज कर सके जो हमारे लिए परफेक्ट ऑप्शन साबित हो, ऐसा ऑप्शन जो हमें प्रोग्रेस दिलाए, सक्सेस दिलाए। लेकिन अगर आप भी किसी सब्जेक्ट में डिग्री लेने तक की जानकारी ही रखते हैं, तो आपको डिप्लोमा के बारे में भी जरूर जानना चाहिए, क्योंकि किसी सब्जेक्ट में डिप्लोमा करने से भी आप बहुत जल्दी ही अच्छी जॉब ऑप्शन पा सकते हैं। तो ऐसे में आज इस वीडियो में आपके लिए क्विक सपोर्ट लेकर आया है डिप्लोमा से जुड़ी सारी छोटी बड़ी मोटी इधर उधर की सारी जानकारियाँ, कि आपको डिप्लोमा क्यों करना चाहिए, डिप्लोमा क्या है और इसकी डिग्री कैसे मिलती है, क्या डिफरेंसेस है, बहुत सारे सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं डिप्लोमा के बारे में। डिप्लोमा किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो बताता है कि डिप्लोमा होल्डर ने इस सब्जेक्ट में पढ़ाई पूरी कर ली है। डिप्लोमा किसी भी सब्जेक्ट में लिया जा सकता है और इसके लिए सब्जेक्ट चुनने का जो ऑप्शन है वो भी वैसा ही होता है जैसा डिग्री के लिए सब्जेक्ट चुनने का होता है। यानी जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, उसके प्रोस्पेक्ट्स को देख करके आप अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं। आप चाहे तो कंप्यूटर ऑपरेटर का डिप्लोमा कर सकते हैं या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा कर सकते हैं। किस सब्जेक्ट में डिप्लोमा करना आपके लिए फायदेमंद होगा, ये चूज करने के बाद आप उस सब्जेक्ट में आसानी से डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा करते टाइम आपको अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यानी कि जिस किसी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए डिप्लोमा का सब्जेक्ट चुनें। डिप्लोमा क्या होता है ये जानने के बाद अब जानते हैं कि डिग्री और डिप्लोमा में एग्जैक्टली अंतर क्या होता है। किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री, एमफिल या पीएचडी करने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री कंपलसरी होती है, राइट? यानी अगर आप हाई एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री होना जरूरी है। डिग्री कोर्स में हर सब्जेक्ट की डीप स्टडी कराई जाती है, ताकि स्टूडेंट उस सब्जेक्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी ले सके और उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन सके। इसीलिए डिग्री कोर्स पूरा करने में समय भी ज्यादा लगता है, यानी 2 से 4 साल तक का टाइम। जहाँ तक डिप्लोमा की बात है, तो डिप्लोमा कोर्स में किसी स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, इसकी ड्यूरेशन कम होती है और इस दौरान किसी बिजनेस या प्रोफेशन के बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें कुछ दिन जॉब, वर्क या इंटर्नशिप भी कराई जा सकती है, ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। कुछ डिप्लोमा कोर्सेज 6 महीने में पूरे हो जाते हैं, जबकि कई डिप्लोमा कोर्सेज 1 या 2 साल के होते हैं। डिप्लोमा कर लेने के बाद आप रिलेटेड सब्जेक्ट में जॉब के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज की खासियत ये है कि आप 8th क्लास के बाद भी डिप्लोमा कर सकते हैं और हाई एजुकेशन के बाद भी डिप्लोमा किया जा सकता है। यानी अगर आप सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ पाए हैं और आगे नौकरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपनी समझ और इंटरेस्ट के बेस पर ऐसे सब्जेक्ट में डिप्लोमा कर सकते हैं जिससे कि आपको जॉब मिल सके, जैसे कि वायरमैन, कारपेंटर, पैटर्न मेकर, प्लास्टिक प्रिंटिंग ऑपरेटर आदि सब्जेक्ट्स। तो इसी तरीके से 10th लेवल की एजुकेशन के बाद कमर्शियल आर्ट, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, टूल एंड डाई मेकर जैसे कितने ही सब्जेक्ट्स में से खुद के लिए परफेक्ट ऑप्शन चूज किया जा सकता है। और अगर आप 12th के बाद डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और स्टेनोग्राफी जैसे बहुत से ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग एजुकेशन लेवल के अनुसार डिप्लोमा कोर्स के सब्जेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, जैसे कि एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, बेकर एंड कन्फेक्शनर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मेट्रोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इंस्पेक्शन, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर,
और भी बहुत कुछ। तो अब आप ये तो जान गए हैं कि डिप्लोमा डिग्री के कंपैरिजन में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाता है और इसमें किसी प्रोफेशनल सब्जेक्ट की ऐसी नॉलेज दी जाती है जिससे डिप्लोमा पाते ही आप फील्ड में काम कर सके। लेकिन अभी ये जानना बाकी है कि बीते कुछ सालों में डिप्लोमा के प्रति जो क्रेज बढ़ा है उसका रीजन क्या है, यानी डिप्लोमा में ऐसी क्या खास क्वालिटीज है जो हर स्टूडेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसीलिए अब जानते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ डिप्लोमा। डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी हाँ, डिग्री कोर्स में जहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, वहीं डिप्लोमा पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होता है। यानी डिप्लोमा के दौरान आप में उन स्किल्स को डेवलप कराया जाता है जिनकी आपको जॉब के दौरान जरूरत होगी। इसका फायदा आपको जॉब इंटरव्यू में मिलता है और जॉब के लिए सिलेक्ट होने के आपके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये काफी अच्छा बेनिफिशियल पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है। वैसे आप शुरुआत में ना अच्छा कमा सकते हैं, ये सेकंड पॉइंट है। अगर आपने अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में डिप्लोमा कर लिया है और आप फ्रेशर है, तो जॉब के दौरान आपकी स्किल्स शुरू में भी आपको अच्छी सैलरी दिला सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब अगर बात करें हम ड्यूरेशन की, तो डिप्लोमा करने के लिए आपको बहुत साल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक से दो साल के अंदर ही डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। हालांकि इंजीनियरिंग से जुड़े सब्जेक्ट्स में डिप्लोमा करने में 3 साल का टाइम लग जाता है, लेकिन बहुत से डिप्लोमा कोर्सेज तो 1 साल से भी कम टाइम में, यानी 6 मंथ में ही पूरे हो जाते हैं। ये पूरी तरह से आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है और कुछ हद तक उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर जिससे आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। डिप्लोमा खर्चा कम और प्रॉफिट ज्यादा देता है। जी हाँ, डिप्लोमा कोर्सेज करने में जितना खर्चा आता है उससे कहीं ज्यादा तो आप अपनी जॉब से कमा लेते हैं, इसीलिए डिप्लोमा कोर्सेज बहुत ही बेनिफिशियल नजर आते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो डिप्लोमा करने के लिए आपको पूरे साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स के लिए अक्सर साल में कई बार अप्लाई किया जा सकता है। और खास बात तो ये है कि बहुत से कॉलेजेस डिप्लोमा ऑनलाइन कराने की सुविधा भी देते हैं। इसके अलावा आप पार्ट टाइम में भी डिप्लोमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिप्लोमा कोर्सेज के बेनिफिट्स जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि कम टाइम में ज्यादा स्किल्स डेवलप करना, जॉब के लिए तैयार करना और फ्लेक्सिबल लर्निंग कंडीशंस देना डिप्लोमा की कुछ स्पेशल क्वालिटीज है। लेकिन अगर आप डिग्री कोर्स से कंपेयर करके डिप्लोमा को सिर्फ इसलिए चुनना चाहेंगे कि इसमें टाइम बहुत कम लगता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको डिग्री कोर्स करना चाहिए या डिप्लोमा, ये पूरी तरीके से इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, सिचुएशन क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है और गोल्स क्या है। इसीलिए सोच समझ करके अपने लिए जो बेस्ट है वही चुने, और चुनने से पहले अपनी रिसर्च पूरी करें। तो दोस्तों, अब डिप्लोमा से जुड़ी सारी जानकारी आपके पास है और क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको जरूर पसंद आई होगी और डिप्लोमा कोर्स से जुड़ी इस जानकारी को समझना भी आपके लिए काफी आसान रहा होगा। तो आपको जानकारी मिली है तो प्लीज अपने दोस्तों और जिनको इसकी जरूरत है उन तक ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि वीडियो की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी, या वीडियो आपको कैसा लगा और आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। हमारी गुड विशेस हमेशा आपके साथ है। तो ऐसे वीडियोस के लिए, ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्विक सपोर्ट चैनल को और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।